खलाई मिशन में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, चांद के मदार से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। पाकिस्तान सेटेलाइट आईक्यू कमांड ने चांद के मदार से पहली तस्वीर जमीन पर भेज दी। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक आईक्यू कमांड ने चांद के गिर 3 चक्कर लगा लिए हैं। पाकिस्तान का पहला सेटेलाइट मिशन 8 मई को कामयाबी के साथ चांद के मदार में दाखिल हुआ। आईक्यू कमांड चीनी मिशन चांग-E6 के साथ 3 मई को खला में भेजा गया था। सेटेलाइट मिशन में 2 कैमरे नस्ब हैं जो चांद की मजीद तस्वीर बनाएंगे। आईक्यू कमांड के कंट्रोलर सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। मिशन चांद के मदार में पहुंचने के बाद 5 से 6 दिन तक तजर्बाती मराहल में रहेगा। इससे कबल पाकिस्तानी और चीनी माहरीन ने मदार में पहुंचने के बाद जांच और तस्दीक के निजाम का जायजा लिया था। खलाई मिशन में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, चांद के मदार से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। पाकिस्तान सेटेलाइट आईक्यू कमांड ने चांद के मदार से पहली तस्वीर जमीन पर भेज दी। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक आईक्यू कमांड ने चांद के गिर 3 चक्कर लगा लिए हैं। पाकिस्तान का पहला सेटेलाइट मिशन 8 मई को कामयाबी के साथ चांद के मदार में दाखिल हुआ। आईक्यू कमांड चीनी मिशन चांग-E6 के साथ 3 मई को खला में भेजा गया था। सेटेलाइट मिशन में 2 कैमरे नस्ब हैं जो चांद की मजीद तस्वीर बनाएंगे। आईक्यू कमांड के कंट्रोलर सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। मिशन चांद के मदार में पहुंचने के बाद 5 से 6 दिन तक तजर्बाती मराहल में रहेगा। इससे कबल पाकिस्तानी और चीनी माहरीन ने मदार में पहुंचने के बाद जांच और तस्दीक के निजाम का जायजा लिया था।